Hare Krishna. So the concluding verse of the 13th chapter of Bhagavad Gita, entitled Nature, the Enjoyer and Consciousness, हमें भगवान बता रहे हैं ये अध्याय शुरू कहाँ से हुआ. ये अध्याय शुरू हुआ अर्जुन के प्रश्न से. क्या पूछा उन्होंने? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष, ज्ञान और ज्ञेय. तो यहाँ भगवान बता रहे हैं इन छहों चीज़ों के बारे में उपदेश दे करके. टेक्स 35 ऑफ द 13th चैप्टर ऑफ भगवद्गीता. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम. दोज हु सी विथ आईज ऑफ नॉलेज द डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द नोअर ऑफ द बॉडी एंड कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन फ्रॉम बॉन्डेज इन मटीरियल नेचर अटेन टू द सुप्रीम गोल. तो भगवान कहते हैं कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच का अंतर. सो द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल. कृष्णा हिमसेल्फ इज सेइंग, अरे ये शरीर जो दिखता है वही हमारा अस्तित्व है क्या? नहीं, इस शरीर के अंदर एक क्षेत्रज्ञ है. यहीं से तो भगवद गीता की शुरुआत हुई थी, है कि नहीं? आपको अगर याद होगा दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, हम आपको थोड़ा सा रिकैप में ले चलते हैं. सो 13th वर्स ऑफ द सेकेंड चैप्टर. उस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर भीरस्तत्र न मुह्यति. As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. So, हम देखें, this is where Bhagavad Gita initially began. कि अरे देह और देही, शरीर और आत्मा, इनमें अंतर है. और यही भगवान बता रहे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एव अंतरम. तो जो दिखता है शरीर वो हम नहीं हैं, और जो दिखती है प्रकृति अपने आप चलती हुई, वो अपने आप चल भी नहीं रही है, उसे चलाने वाले भगवान हैं. तो इस क्षेत्र के लिए, इस शरीर रूपी क्षेत्र के लिए आत्मा क्षेत्रज्ञ है, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड और अनंत प्रकृति के लिए परमात्मा क्षेत्रज्ञ है. सो क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर अंतरम, ये कैसे व्यक्ति समझ सकता है? ये देख करके नहीं समझ सकता. ज्ञान चक्षुषा, चर्म चक्षु से हम ये नहीं जान सकते. अगर कहीं कई लोग हमें क्या करके कहते हैं, अरे स्वामी जी अगर भगवान है तो सही में आके देखने दो, हम देखेंगे तो हम मानेंगे. अरे ये ऐसे दिखते नहीं है भगवान, कैसे दिखेंगे? कोरोना वायरस, अरे कोई बोले अरे कोरोना वायरस है तो सही में सामने दिखाओ, मैं मानूंगा. कान के नीचे 4 झापड़ लगाने का उसके, ऐसे थोड़ी दिखता कोरोना वायरस. यस, तो अगर कोरोना वायरस ऐसे नहीं दिखता, भगवान कैसे ही ऐसे दिखेंगे? पिताजी के वेटर है क्या? वो काम पे रखे हुए, ओए भगवान इधर आ रहे, ऑर्डर लेके जा, जो भगवान दिखेंगे. तो जो व्यक्ति कहते हैं कि भगवान अगर दिखे तो ही मानूंगा, सही में उनकी अकल घुटने में है. ये मैं नहीं कहता, ये भगवान स्वयं कहते हैं. जो व्यक्ति शरीर और आत्मा के बीच का अंतर नहीं जानता, निपट मूर्ख है. सो क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा. सो ज्ञान चक्षुओं से देख सकते हैं. जो शरीर और आत्मा के बीच का भेद नहीं जानता वो अज्ञानी व्यक्ति है. सिंपल, ही माइट बी अ मल्टी ट्रिलियनेयर बट इन कृष्णा आइज वो निपट मूर्ख है. और भूत प्रकृति मोक्षम च, भूत यानी जीव जो इस शरीर में आ गया, प्रकृति यानी ये शरीर जो अलग अलग माध्यम से हमें अलग अलग भोग दे रही है. ये देखिए ये कुत्ते घूम रहे हैं, तो हम भी ऐसे ही कुत्ते बनकर कभी घूमे थे. कितने सारे ऊपर पक्षी चहचहा रहे हैं, हम भी इन पक्षियों के रूप में कभी थे. तो ये सभी भूत हैं, जीवात्मा है, जो अलग अलग शरीर धारण करके अलग अलग योनियों में अपने कर्मों के अनुसार घूम रहे हैं. कहाँ घूम रहे हैं? इस प्रकृति में.
तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का के बीच का अंतर और भूत और प्रकृति के बीच का अंतर, प्रकृति अपने आप चलायमान है क्या? नहीं। भगवान कहते हैं दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, प्रकृति मेरी प्रकृति है, दैवी है, इट इज ट्रांसेंडेंटल। सो इसीलिए जो दिख रहा है उसे ही अंत न मानना, इसके पीछे के अस्तित्व को जानना, ये ज्ञान है। और ये विदुहु यान्ति पराम गतिम, दोज हु कैन अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड दे कैन डू सम वॉलंटरली साधना टू एक्सेस दैट डायमेंशन ऑफ सोल, ते यान्ति पराम गतिम, दे विल ओनली बी एबल टू कम बैक टू मी, दे विल ओनली बी एबल टू अंडरस्टैंड। मेरे पास क्लास वर्क की कॉपी है, मेरे पास टेक्स्ट बुक है, लेकिन मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, तो मैं पास करूँगा कि एग्जाम? नहीं। उसी प्रकार से मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास भगवद गीता भी है, लेकिन मैं उसे लागू नहीं करता, अपने जीवन में अमल पे नहीं लाता, विल आई बी एबल टू प्रोग्रेस? नो। सो वी हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर एंड वी हैव टू हैव इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर। इफ वी हैव दीज टू थिंग्स, कृष्णा सेज यू विल डेफिनेटली कम बैक टू मी। So this ends the 13th chapter of Srimad Bhagavad Gita. Thank you very, very much for being with us all throughout. From tomorrow, we'll have for 4 days the quiz to the 13th chapter. Do stay tuned and please answer the quiz. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare